अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अडोब फोटोशॉप में मतलब कैमरा रॉ में फ़िल्टर कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी फ़िल्टर हो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी तस्वीर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैमरा रॉ कैसे एक्टिव किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ़िल्टर कैसे इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, आपने कैमरा ऐसे ओपन कर लें जैसे मेरा हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने ये इस वाली सेटिंग पर क्लिक करना है, इधर सिर्फ क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपने करना है लोड। ठीक है, लोड सेटिंग। ठीक है, इधर सारे आपने फ़िल्टर जो है ना वो पेस्ट कर देना इसमें। आपने इधर से मतलब जो आपके पास फ़िल्टर हो ना, मिसाल के तौर पर मेरे पास फ़िल्टर हैं, ये मेरे पास फ़िल्टर हैं दोस्तों। ठीक है, मिसाल के तौर पर इन सारों को आपने कर लेना कॉपी। ठीक है, इसके बाद आपने इधर आके इस वाली जगह कर देना पेस्ट। पेस्ट करके आपने इधर ओपन कर लेना इसे। ठीक है, ये वाला फ़िल्टर मतलब एक्टिव हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने कर लेना है सेव सेटिंग। ठीक है, सेव सेटिंग सेट ऑल करना है, इधर सेट ऑल करके इसके बाद आपने कर लेना ओके। ठीक है, इसके बाद कर देना इसे सेव। ये देखो दोस्तों, मेरे सारे फ़िल्टर इस जगह पर आ गए हैं। ठीक है, आपने फिर जो आपको ठीक लगे फ़िल्टर वो आपने इस पर एक्टिव करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने जो आपको ठीक लगे फ़िल्टर, मेरे पास तो बहुत फ़िल्टर हैं। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन सा फ़िल्टर इस पर लगाना है, जो ठीक वर्क करे वही फ़िल्टर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए वो आप सबसे पहले देख पाएँ। ठीक है दोस्तों।